अल्लू अर्जुन अपनी पुष्पा 2 को लेकर के सुपर बिजी चल रहे हैं। हाल ही में पुष्पा गाना रिलीज हुआ है तो इसका बज और भी हाई हो गया है। पुष्पा की सक्सेस के बाद उनकी इस फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन सिर्फ पुष्पा 2 ही नहीं, आने वाले वक्त में अल्लू अर्जुन की और भी कई सारी फिल्में हैं जो रिलीज होने की तैयारी में है, जिससे पुष्पा भाऊ बॉक्स ऑफिस के राजा बन सकते हैं, हजारों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अल्लू की अपकमिंग 8 फिल्में कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं पुष्पा 2 से। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के पहले पार्ट ने उन्हें दुनिया भर का चहेता बना दिया था। पहले पार्ट में धमाल मचाने के बाद अब वो दूसरे पार्ट को लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर अपडेट्स भी सामने आती रहती हैं और इसकी कास्ट को लेकर के भी डिटेल्स आ चुकी हैं। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम फटाफट से निपटाया जा रहा है। नंबर 2, आइकन। इस फिल्म की बात करें तो इसमें अल्लू के अपोजिट पूजा हेगड़े और कृति शेट्टी नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर भी अपडेट सामने आया है। इस फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है जो आते ही तेजी से वायरल हो गया था। अगर पुष्पा 2 के बाद अल्लू की किसी दूसरी फिल्म को लेकर चर्चा है तो वो फिल्म आइकन ही है। नंबर 3, अटली संग फिल्म। शाहरुख खान की जवान जैसी फिल्म से भौकाल काटने वाले डायरेक्टर अटली अब अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब वो अल्लू अर्जुन संग फिल्म बनाने को लेकर तैयार हैं और इस बात पे आगे भी बढ़ रहे हैं, काम शुरू भी हो चुका है। अनटाइटल फिल्म। अल्लू अर्जुन साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके एक्टर दुलकर सलमान संग फिल्म लेकर आ सकते हैं। दोनों ही साउथ सिनेमा का बड़ा नाम है और दुलकर सलमान तो कई सारे बॉलीवुड फिल्में भी कर चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म पर नया अपडेट कब तक आता है। नंबर 5, प्रशांत नील संग फिल्म। KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील संग भी अल्लू अर्जुन की फिल्म की चर्चा है। पिछले 2 साल से इस कोलैबोरेशन को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है, मगर दोनों स्टार्स पिछले कुछ समय में मिले हैं। इससे ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। 8821। इस फिल्म पर काम भी पिछले 2 साल से चल रहा है और इस फिल्म का नाम अभी 8821 रखा गया है। फिल्म को लेकर फैंस भी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म का एक पोस्टर भी आ चुका है, लेकिन फिल्म की शूटिंग को लेकर अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। नंबर 7, त्रिविक्रम श्रीनिवासन की फिल्म। जी हाँ, साउथ डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवासन संग भी अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म आ सकती है। इस फिल्म को लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म भी जरूर बनेगी। एनिमल वाले डायरेक्टर संग फिल्म। एनिमल वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अब एक नई फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वे अल्लू अर्जुन संग कोलैबोरेट कर सकते हैं। फिल्म के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये दिग्गज पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म हो सकती है। हालांकि इस फिल्म को लेकर अभी बाकी के अपडेट सामने आने बाकी हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।